हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी में आगे एक डेफिनेशन है और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। डेफिनेशन है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट क्या है? ए फैमिली ऑफ सेट्स इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे FIP, इफ़ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ द फैमिली हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। स्टेटमेंट है, किसी फैमिली ऑफ सेट्स को बोलेंगे कि उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। कब? जब उसके हर एक फाइनाइट सब फैमिली, यानी कि उसके फाइनाइट मेंबर्स उठा के जो फैमिली बनाऊंगा उनका इंटरसेक्शन करूंगा, तो वो इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। उस फैमिली के फाइनाइट मेंबर्स उठाऊंगा, उनका इंटरसेक्शन करूंगा, तो वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। दैट इज़, अगर एफ ये फैमिली है, F1, F2, F3 आर्बिट्रेरी फैमिली है, इसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो इस फैमिली को बोलेंगे कि इसके पास FIP है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। अगर इसके फाइनाइट मेंबर्स उठाए और उनका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू N FI, ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो क्या कहेंगे? F के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। थ्योरम क्या है? ए टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग FIP हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। स्टेटमेंट है थ्योरम की कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस X को हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कब? जब उसकी कोई भी मैं क्लोज सेट की फैमिली उठाऊं जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो, तो उस फैमिली का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। स्टेटमेंट है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है, तो उसकी हर एक क्लोज सेट की फैमिली उठाऊंगा जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी आता ही आता है। लेकिन प्रूव क्या करना है कि अगर क्लोज सेट की वो फैमिली जिसके पास FIP है, तो उसके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी कैसा आएगा? वो भी नॉन एम्प्टी आएगा अगर कॉम्पैक्ट है। तो प्रूफ देखो इसका। फर्स्ट सपोज दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। हमने पहले मान लिया एक्स कॉम्पैक्ट है, तो दिखाएंगे क्या कि कोई भी क्लोज सेट की फैमिली होगी जिसके पास FIP है, उसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगा। तो हमने मान लिया एफ लैम्डा लैम्डा इज ए फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग FIP, कि ये कोई फैमिली है क्लोज सेट्स की जिसके अंदर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इस फैमिली के फाइनाइट मेंबर्स उठाऊंगा, उनका इंटरसेक्शन करूंगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन किया, वो नॉन एम्प्टी आएगा। हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है इस फैमिली का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा। उसको प्रूव करने के लिए मैं उल्टा मान लेता हूँ कि जो हमें प्रूव करना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, हम मान लेते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता। तो क्या होता अगर ये इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी वाला एम्प्टी है? तो x को लिख सकता हूँ मैं x-5, और फाई की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दूँगा। अब ये क्या है? x माइनस इंटरसेक्शन f लैम्डा, यानी कि इंटरसेक्शन f लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट है। लिख दिया कॉम्प्लीमेंट, और इस कॉम्प्लीमेंट को खोलेंगे तो इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन f लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट, और f लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख दूँ? x माइनस f लैम्डा। तो हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि x बराबर हो गया यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन है x माइनस f लैम्डा का, और f लैम्डा कैसे थे? f लैम्डा सारे क्लोज सेट थे, तो x माइनस f लैम्डा क्या हो गया? ओपन हो गया, और ये आर्बिट्रेरी यूनियन है, यानी कि x बराबर हो गया आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के। और x हमने तो क्या हो जाएगा, ये सारा x माइनस f लैम्डा जो थी ये इसकी ओपन कवर हो जाएगी, ये सारे ओपन सेट हैं और इसको कवर कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन x के बराबर आ रहा है, तो ये फैमिली क्या हो गई? इसकी ओपन कवर हो गई। और x हमने मान रखा है x कॉम्पैक्ट है, तो x की हर एक ओपन कवर क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी फाइनाइट सब कवर में। तो उसको हमने मान लिया x माइनस f लैम्डा आई फ्रॉम 1 टू n। अब अगर ये इसकी सब कवर है तो x इसके यूनियन के बराबर मिलेगा, फाइनाइट यूनियन के, तो x बराबर हो जाएगा यूनियन आई फ्रॉम 1 टू n x माइनस f लैम्डा आई। इस यूनियन को खोलेंगे, अंदर जाने के बाद क्या बन जाएगा? यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा x माइनस इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू n f लैम्डा आई, और यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 टू n f लैम्डा आई फाई आ जाएगा, फाई के बराबर आ गया।
ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। हमने शुरू में माना क्या था, हमने स्टार्टिंग में मान रखा है कि इंटरसेक्शन आई फ्रॉम वन टू एन एफ लैम्डा आई नॉन एम्प्टी है, क्योंकि जो फैमिली मान रखी है क्लोज सेट्स की उसके पास एफ आई पी है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। लेकिन यहाँ ये क्या दिखा दिया कि ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, तो हमने जो माना था वो बात गलत थी, ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमने क्या माना था कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन था वो एम्प्टी था, हमने ये मान लिया, तो हमने जो अजम्पशन थी हमारी वो गलत है। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन लैम्डा एफ लैम्डा नॉन एम्प्टी आ जाएगा। कन्वर्स पार्ट में क्या माने कि हर एक क्लोज सेट की फैमिली जिसके पास एफ आई पी है उसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। दिखाना क्या है, एक्स को कॉम्पैक्ट दिखाना है। कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए इसको भी कंट्राडिक्शन से दिखा देंगे, हम क्या मान लेंगे एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है। अब अगर एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है तो एक्स की कम से कम एक कवर, एक ओपन कवर तो ऐसी मिलेगी जो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि जी लैम्डा एक ऐसी ओपन कवर है एक्स की जो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस नहीं होती है। तो क्या होगा, अगर वो रिड्यूस नहीं होती है तो उसके फाइनाइट मेंबर्स में चुन लूँ, यानी फाइनाइट उसके जी लैम्डा के फाइनाइट मेंबर चुनने के बाद भी एक्स उस फाइनाइट यूनियन के बराबर नहीं आएगा, यानी कि एक्स इसके बराबर नहीं आएगा यूनियन आई फ्रॉम वन टू एन जी लैम्डा आई, क्योंकि रिड्यूस नहीं हुई फाइनाइट सब कवर में। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आऊँ तो एक्स माइनस यूनियन आई फ्रॉम वन टू एन जी लैम्डा आई नॉट इक्वल टू फाई। अब इसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स माइनस जी लैम्डा आई नॉट इक्वल टू फाई, और एन की कोई भी चॉइस के लिए ये नॉन एम्प्टी आ गया। तो हमने क्या दिखा दिया, ये क्या हो गया, जी लैम्डा आई कैसे थे, ओपन थे, और उनका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है क्लोज सेट का। तो हमने ऊपर मान रखा है कि कोई भी फैमिली अगर उसका क्लोज सेट की फैमिली जो एफ आई पी रखती है उसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो ये क्लोज सेट की फैमिली आ गई जिसका जो एफ आई पी रखती है तो इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा यूनियन लैम्डा जी लैम्डा नॉट इक्वल टू फाइव, और एक्स किसके बराबर नहीं आएगा, यूनियन लैम्डा जी लैम्डा के। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, कैसे, क्योंकि जी लैम्डा हमने क्या मान रखी थी, जी लैम्डा तो एक्स की ओपन कवर मान रखी थी, और अगर ओपन कवर है तो आर्बिट्रेरी यूनियन जी लैम्डा का एक्स के बराबर आना चाहिए, वो आया नहीं। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया, तो जो हमने माना था वो बात गलत थी। क्या माना था हमने कि एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है, तो क्या होगा, एक्स कॉम्पैक्ट हो जाएगा।